सीताराम। हिंदू धर्म के अनुसार विक्रम संवत स्नानुसार हमारा नूतन वर्ष कल से शुरू हो रहा है। एतदर्थ नए वर्ष के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज सारा का सारा विश्व, सारा देश, हर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से बहुत ही परेशान है। हम लोग, आप लोग सभी अपने अपने घरों में इस समय कैद हैं। और निश्चित रूप से हमें अगर लोक कल्याण चाहिए, यदि अपने लोगों का कल्याण चाहिए, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए सरकार जो हमें अनुदेश आदेश, डॉक्टर से जो परामर्श सुझाव दे रहे हैं, उन्हें हमें विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए अपना और दूसरों के हित का ध्यान रखना चाहिए। कल से नवरात्राएं शुरू हो रही हैं। एतदर्थ आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल कामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, आनंद से रहें, मंगल से रहें। ये कोरोना वायरस से परिस्थितियां संपूर्ण विश्व की बिगड़ रही हैं, इसलिए इन नवरात्राओं में हमको विशेष रूप से कुछ अनुष्ठान करने चाहिए, जो हम आपको सुझाव में आपको बताना चाहते हैं। नंबर एक तो ये कि नवरात्राएं शुरू हो रही हैं, तो आप भगवती दुर्गा जी का, दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती में कहते हैं, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेशु लक्ष्मी पापात नाम कुल धियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभव सलज्जा ताम ताम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। ऐसी भगवती दुर्गा जी के, दुर्गा सप्तशती के प्रतिदिन नवरात्राओं में आप पाठ करें, अंत में भगवती भगवान राम जी का पूजन करें। दूसरा है कि रामनवमी की भी प्रतिपदा शुरू हो जाती है, और रामनवमी की प्रतिपदानुसार हमें ईश्वर का आराधना वंदन करते हुए श्री रामचरित मानस का नवान्न पारायण का पाठ कल से आप शुरू कर दें, क्योंकि आप सभी लोग घर में हैं, परिवार के बीच में हैं। और इस प्रकार से यह जो हमारा समय है, इसी कारण से हम भगवान का कुछ भजन कर सकेंगे, लोक का कल्याण कर सकेंगे। एक बात को ध्यान रखिए कि ये एक ऐसी परिस्थिति है, चाहे हजारों डॉक्टर लग जाएं, चाहे हजारों सरकारें लग जाएं, ईश्वर कृपा के द्वारा इसकी निवृत्ति होना संभव नहीं है। इसलिए अनुष्ठान में आप बैठ जाएं, कल से नवान्न प्राण का पाठ करें। नवान्न प्राण के प्रारंभ में और बीच में जो आपको मंगलाचरण, जो आपको इसमें संपुट लगाना चाहिए, वो दीन दयालु विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवह सुदशरथ अजर विहारी। इन चौपाइयों को जोड़ करके, दोनों चौपाइयों को पहले दीन दयालु विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवह सुदशरथ अजर विहारी, ये दो चौपाइयों को जोड़ करके रामचरित मनस के एक नवान्न प्राण का पाठ आप प्रतिदिन करें। अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि एक घंटा 45 मिनट या दो घंटे हो, अथवा अगर आप पहले से कर चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि डेढ़ घंटे के अंतर्गत आराम से पाठ कर सकते हैं। जल्दी करने वाले लोग सवा घंटे में भी कर लेते हैं। तो एक तो ये उपाय है, और तीसरा उपाय हम बताना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो आठवां स्कंद है, आठवें स्कंद के तीसरे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष स्तुति है। हमारे काशी के पंडित विश्वनाथ, हमारे काशी के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास में जब भी कोई दीन दुखी आता था, वे गजेंद्र मोक्ष स्तुति की पुस्तक उसे पकड़ाते थे, और वो कहते थे, संसार में किसी भी प्रकार के संकटों से अगर हमें निजात पानी है, छुटकारा पाना है, तो हम गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करें, तो निश्चित रूप से हमारे और आपके जीवन के सारे कष्ट निवृत्त हो जाएंगे, संसार सुखी हो जाएगा, विश्व सुखी हो जाएगा। और इस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष स्तुति ये है कि एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञं मन्येन शिक्षितम् ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम् वर्षायादि विजयो परेशाया विधिमहि। इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति में जब भगवान नारायण ने गजे से पूछा कि आप ग्राह रूपी काल में आप फंस गए हैं, तो आप क्या चाहते हैं, आप इससे मुक्ति चाहते हैं, बोले नहीं, शरीर को बचाना चाहते नहीं, कहते जिजी विषय ना है मेहा मुया के मंत्र वहचा वृताये भयोन्या इच्छामि काले नय शिव पुलस तस्यात्मलोका वर्णस मोक्षम। क्योंकि ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में मेरी कोई भी अनुरक्ति नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ, गजेंद्र जी ने कहा, कि मेरी आत्मा के ऊपर अज्ञान और माया का जो आवरण पड़ा हुआ है, ईश्वर आप उसे हटा दो ताकि मैं विमुक्त हो सकूँ। तो फिर भगवान ने आकर के तंबीक्ष पीड़ित मजा सहसावतीर्य सग्राह मासु सरसा कृपय उज्जहार ग्राहाद विपाठित मुखा दृणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिमु मुचदृष्टियाणाम। देखते देखते ही भगवान ने कोरोना रूपी वायरस रूपी ग्राह का वध कर दिया,
और भक्त रूपी जनमानस को उन्होंने बचा लिया, गजेंद्र को बचा लिया। इस प्रकार से चौथा एक उपाय हम आपको और बताना चाहेंगे जल्दी जल्दी में। और चौथा उपाय ये है कि आप हनुमान बाहुक का पाठ करें, क्योंकि जिस समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अंग अंग में फोड़े फूट पड़े थे, क्योंकि काल भैरव जी ने उनसे आग्रह किया था कि जब वे विनय पत्रिका लिख रहे थे उन्हें मालूम था कि विश्व विस्तृत होने वाली है, तो उन्होंने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से गंगा तट पर आकर के कहा कि आप एक पद एक स्तुति मेरे नाम से भी आप विनय पत्रिका में जोड़ दें। पर पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको वामपंथी मान करके उन्होंने जब इनकार किया तो काल भैरव जी कुपित हो गए और उनके पूरे शरीर में फोड़े और फुंसियाँ निकल आई। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी शारीरिक वेदना से तड़प रहे थे और वो उन्होंने खुद उसका उल्लेख किया है कि बाह पीर मुह पीर जर्जर सकल शरीर पीर वेदनामयी है, पूरा का पूरा शरीर वेदना से जकड़ा हुआ था। और इसी हनुमान बाहुक की रचना करने के बाद में सिंधु तरण सी सोचरण रवि बाल वर्णतन भुज विशाल मूर्त करार कालहू को कालजन, इस हनुमान बाहुक का आप प्रातःकाल ब्रह्मचर्य व्रत करते हुए और घी के दीपक में इसका पाठ करें 11 दिन तक या 21 दिन तक आप पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको कल्याण की अनुभूति होगी। साथ साथ में काम आपको पांचवा भी बता देते हैं, और पांचवा उपाय यह है कि आप हनुमान चालीसा के पाठ करें, प्रतिदिन 11-11 पाठ करें आप, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे और देवता चित्र धरी, हनुमत से सर्व सुकरी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत वलवीरा। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो पूरे संपूर्ण हनुमान चालीसा का आप कम से कम 11 बार पाठ करें तो मैं समझता हूँ कि नवरात्राएं भी सार्थक होंगी और कोरोना वायरस से भी संपूर्ण विश्व को निजात मिलेगी। और साथ साथ में एक और उपाय चलते चलते हम आपको बता दें, और उस उपाय के अनुसार हमको रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, 11 रामरक्षा स्तोत्र के पाठ करें, और 11 रामरक्षा स्तोत्र के अंतर्गत में अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम एक श्लोक, और वो श्लोक आप और हम सभी जानते हैं, आपदाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस श्लोक को आप अलग कर लें और उसमें ओम आपदाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीराम शरणम मम, ऐसा कहकर के आप कम से कम एक माला का जाप करें। सज्जनों, इन सारी विधियों में से जो भी आपको एक अच्छी लगती हो आप उसे अपने जीवन में उतार लें और इन नवरात्रों में अध्यात्म तत्व चिंतन करते हुए ईश्वर की भक्ति और आराधन करते हुए इन नवरात्रों में हम इस नई वर्ष के लिए कामना करें कि हे ईश्वर, इस नई वर्ष में हमारा जीवन सुखी हो, आनंद हो, समृद्ध हो और ऐसी कोई बीमारी आगे कभी ना आए कोरोना वायरस जैसी। और पूरा अनुष्ठान करने के बाद में आपको एक श्लोक प्रतिदिन बोलना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री सीतारामचंद्राय नमः।